स्टूडेंट अब हम पढ़ेंगे क्रिस्टलाइजेशन क्रिस्टलाइजेशन समझने से पहले हम हमारी एक्टिविटी को पढ़ लेते हैं जो आपको इससे हमारा क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है वो पता पड़ जाएगा पा अ लिटिल क्वान्टिटी ऑफ साल्ट साउल्टोलूशन सलूश, इन इवरेटिंग डिश एक आपको एक के साथ बीकर लेना है देखिए ऐसा आपको एक बीकर लेना है बीकर लिया आपने इसके अंदर क्या डालना है पानी डालना है पानी डालने के बाद इसमें साल्ट सल्यूशन मतलब नमक का सोल्यूशन डालना है और देन हम इसको क्या कर देंगे हीटिंग के लिए रख देंगे तो जब हम इसको हीटिंग करेंगे तो क्या आएगा व्हेन वी हीट द सोल्यूशन वाटर बबुले उठना स्टार्ट हो जाएंगे तो जो बबूलें रहेंगे वो क्या करेंगे सॉल्ट सोल्यूशन को तो रहेंगे उसको हम क्या बोलेंगे क्रिस्टलाइजेशन क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है जो जो भी हमारा रिजल्ट निकलता है वो काय के फॉर्म में होगा बबल्स के फॉर्म में होगा तो उसको हम बोलेंगे क्रिस्टलाइजेशन अब हम पढ़ेंगे केमिकल चेंजेस तो केमिकल चेंजेस क्या होता है द चेंजेस विच इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस आर कॉल्ड केमिकल चेंजेस ऐसे चेंजेस जिसका जिससे कोई एक नया सब्सटेंस बनता हो हम उसको क्या बोलेंगे केमिकल चेंजेस बोलेंगे जैसे कि वो हमेशा के लिए परमानेंट हो जाए ठीक है वो उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते इसको हम क्या बोलेंगे केमिकल चेंज बोलेंगे द एटम इन द मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस ब्रेक देयर लिंक बॉन्ड्स विद ईच अदर दे रीअरेंज देयर एटम्स एंड ग्रो न्यू लिंक्स और बॉन्ड्स विथ एटम द रिजल्ट ऑफ वर्न और न्यू सब्सटेंस विद डिफरेंट केमिकल फीचर्स इन प्रॉपर्टीज कंपेयर टू द ऑरिजिनल सब्सटेंस फॉर एग्ज़ाम्पल मतलब हम जिस भी चीज़ से उसका रिएक्शन करते हैं हम अगर किसी भी चीज़ से उसका रिएक्शन करेंगे तो कुछ नई चीज़ फॉर्म आएगी उसको हम बोलेंगे केमिकल रिएक्शन जैसे कि आप बारिश के मौसम में आपके बाहर कीले लगा दीजिए तो जब आप कील लगाओगे कील को क्या बोलते हैं आयरन नेल्स बोलते हैं देखिए आयरन नेल्स इतनी सारी जब आप इस आयरन नेल्स को आप अपने दीवार पे लगाएंगे तो क्या होगा वो पानी के संपर्क में जब आएगा पानी से जब कनेक्ट होगा तो क्या होगा उस कील में जंग लग जाएगा लग जाएगा जंग तो अब वो जंग क्या हम कील में से निकाल पाएंगे नहीं तो वो क्या हो गया हमारा परमानेंट नेचर हो गया उस कील का तो सो स्टूडेंट केमिकल रिएक्शन क्या होता है कि किसी भी अब जो आयरन है वो किसके कनेक्शन में आ गई वाटर के कनेक्शन में आ गई और उसमें से उसका न्यू फॉर्म क्या निकला रस्टिंग ऑफ आयरन निकला जो कि हम उसको अब चेंज नहीं कर सकते अब आप ये एक्टिविटी देखिए हाफ ए बीकर विथ वाटर हमको क्या लेना है पानी का भरावा हाफ बीकर लेना है और उसके अंदर कॉपर सल्फेट डाल देना है क्या डाल देना है कॉपर सल्फेट डाल देना है स्टिर इट वेल कॉपर सल्फेट डिजॉल्व कम्प्लीटली और उसको तब तक, तक मिलाना है जब तक कॉपर uh, सल्फेट उसके अंदर मिलता नहीं है डू यू ब्लू कलर जब हम उसको अच्छे से मिलाएंगे तो वो काई में हो जाएगा ब्लू कलर में हो जाएगा आप देखिए आपको एक्टिविटी दे रखी है उसके अंदर इन लोगों ने पानी के अंदर कॉपर सल्फेट मिलाया है अब वो क्या कर रहे हैं उसके अंदर क्या करना है आपको आयरन की जो नेल है उसको मिला के रखना है और कुछ देर अगर हम आयरन नेल को उस पानी के अंदर छोड़ देंगे तो पानी का कलर क्या होगा वो धीरे धीरे चेंज होना स्टार्ट होगा जिसको हम क्या बोलेंगे केमिकल रिएक्शन तो अभी हमने क्या पढ़ा जो कॉपर सल्फेट था वो कौन से कलर का था ब्लू कलर का था और जो आयरन सल्फेट था वो ग्रीन कलर का था जब दोनों मिले तो कौन सा हमको मिल गया रेडिश ब्राउन कलर मिल गया और कॉपर वैसा का वैसा वहीं पे छूट गया मतलब आयरन के अंदर क्या लग गई रस्टिंग लगना स्टार्ट हो गई अब हमने क्या पढ़ा केमिकल चेंज क्या होता है केमिकल चेंज में क्या होता है उसकी जो स्टेट रहती है जो उसकी पोजिशन रहती है वो चेंज हो जाती है उसका कलर चेंज हो जाएगा उसका टेम्परेचर मतलब तापमान चेंज हो जाएगा उसके अंदर जो गैसेस रहेगी वो भी कभी कभी चेंज हो जाती हैं और कभी कभी उसके अंदर स्मेल्स के अंदर भी चेंजेस आने स्टार्ट हो जाती है अब हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज तो इसका मेन डिफरेंस क्या है कि फिज़िकल चेंज में कोई भी नई चीज ऑप्टेन नहीं होती है लेकिन केमिकल चेंज में एक कोई सा भी नया सब्सटेंस फॉर्म्ड होता है फिजिकल चेंज रिवर्सिबल है वो अपनी वापस पोजीशन में आ जाता है लेकिन केमिकल चेंज अपनी पोजीशन में नहीं आता है फिजिकल चेंज एक टेम्पररी चेंज है और केमिकल चेंज एक परमानेंट चेंज है अब हम पढ़ेंगे एक्टिविटी नंबर सेवन एक्टिविटी नंबर सेवन क्या बोल रहा है टेक अ सम विनेगर इन अ टेस्ट ट्यूब आप एक टेस्ट ट्यूब में विनेगर डालिए पानी डालिए और उसके अंदर एक बेकिंग सोडा डालिए आपको पता है एक पानी के अंदर जब बेक, बेकिंग सोडा डालते हैं तो बुलबुलें उगना हो जाते हो जाते हैं तो बुलबुल बुल स्टार्ट हो गए तो मतलब क्या हुआ बेकिंग सोडा विनेगर में लिया और हमारे पास प्रोड्यूस क्या हुआ कार्बन डाइऑक्साइड और सोडियम जब हम उसके अंदर सोडियम डालेंगे तो पानी में जो बुलबुल बुलबुल उठेंगे वो क्या हो जाएगा हमारा केमिकल चेंज हो जाएगा अब यूज़ेस ऑफ केमिकल चेंजेस क्या है तो केमिकल चेंजेस आर वेरी यूजफुल टू अस हमारे लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट होता है अगर हम न्यू मेडिसिन ले रहे हैं तो जो तो मेडिसिन है उसको चेंज कर चेंज करते हैं वो लोग क्योंकि जो तुलसी होते हैं जो ऐसे बहुत सारे ट्रीज़ होते हैं जिससे हमारे मेडिसिन बनते हैं तो वो क्या हो जाएगा हमारा कभी कभी जो मेडिसिन रहते हैं वो किसके थ्रू हमको मिलते हैं केमिकल रिएक्शन के थ्रू मिलते हैं जो प्लास्टिक्स रहते हैं वो किसके थ्रू मिलते हैं केमिकल रिएक्शन के थ्रू मिलते हैं जो बिल्डिंग के मटेरियल्स रहते हैं वो हमको कैसे मिलते हैं केमिकल रिएक्शन के थ्रू मिलते हैं तो अब हम पढ़ेंगे रस्टिंग ऑफ आयरन रस्टिंग ऑफ आयरन भी क्या होता है एक केमिकल चेंज होता है रस्टिंग ऑफ आयरन मतलब आयरन पे जंग लगना आपने देखा होगा कि आयरन की तारें होती हैं अगर उसके ऊपर हम कपड़े सुखाते हैं गीले गीले तो क्या करते हैं वो लोग अपनी जंग किसके ऊपर लगा देते हैं कपड़ों पर लगा देते हैं या आप देखेंगे जो कीले रहती है वो बारिश में भीगती लगी भी रहती है और वो भीगती भी लगती है तो उसमें क्या कहता है रस्ट लग जाता है मतलब जंग लग जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे रस्टिंग ऑफ आयरन बोलेंगे अब ये कैसे होता है देखिए आप ये नट बोल देखिए इस नट बोल पे क्या लग रहा है रस्ट ऑफ आयरन लग रहा है लग रहा है क्यों हो गी? पानी के संपर्क में आ गई द लेयर जस्ट यू हैव ए सीन इफ यू लीव एन आयरन ऑब्जेक्ट सच इज अ ट्रावल और बोल्ट आउट ऑफ द रोनिया तो हम कुर्पी रख दें या तो फिर हम को बोल्ट अगर बारिश में रख देंगे तो आप उसको थोड़े देर बाद देखोगे तो वो कैसे कलर का हो जाएगा रेडिश ब्राउन लेयर कलर का हो जाएगा कैसे कलर का हो जाएगा रेडिश ब्राउन uh, कलर का हो जाएगा दिस लेयर इज इसका रस्टेड और उसको हम क्या बोलेंगे रस्टेड मतलब जंग लगना बोलेंगे द लेयर ऑफ रस्ट डेड फॉर्म्स फॉल ऑफ ग्रेजुअली एक्सपोजिंग फ्रेशिंग मेटल फॉर फर्दर रस्टिंग एज़ टाइम आयरन ऑब्जेक्ट बिकम वीक जैसे जैसे अगर डस्टिंग ऑफ आयरन किसी पे लग गया है तो वो काम तो करेगा लेकिन वो धीरे धीरे क्या लग जाएगा वीक होने लग जाएगा तो आयरन रिएक्ट किससे हुआ ऑक्सीजन ऑक्सीजन कहाँ से मिला उनको हवा से मिला तो जो हवा में ऑक्सीजन मिलता है और बारिश के कारण क्या हुआ आयरन उसके संपर्क में आया जिससे क्या हुआ आयरन ऑक्साइड बना तो आयरन ऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ केमिकल चेंज केमिकल चेंज बोलेंगे क्योंकि ये परमानेंट है क्या एक बार कील पर रस्टिंग लगने के बाद हम लोग क्या उसको चेंज कर सकते हैं आयरन नेल में नहीं बिल्कुल भी नहीं अब इसके कुछ प्रिवेंशन है तो हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं या तो हम आयरन नेल को क्या लगा दें जो आयरन नेल है उसके ऊपर हम क्या कर दें पेंट कर दे मतलब कोटिंग और आयरन आर्टिकल विथ पेंट किया तो हम उसके ऊपर कलर कर दे तो वो जंग नहीं खाएगा कोटिंग एंड आयरन आर्टिकल विथ ग्रीस या तो फिर हम उसके ऊपर ग्रीस लगा दें तो ताकि वो उससे भी जंग नहीं खाएगा तो स्टूडेंट हमारा ये चैप्टर था जिसका नाम था केमिकल एंड फिजिकल चेंज तो सो आपने देखा जो फिजिकल चेंज होता है उसमें कोई भी सब्सटेंस नहीं बनता है और वो रिवर्सिबल रहता है वो अपनी पोजिशन पर वापस आ जाता है लेकिन केमिकल रिएक्शन नई सब्सटेंस को बनाता है कुछ न्यू बनाता है लेकिन वो इरिवर्सिबल रहता है उसको हम बार बार चेंज नहीं कर सकते होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा थैंक यू